हाय फ्रेंड्स, स्वागत है सुमन किचन में आपका। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू ब्रेड टोस्ट। तो चलिए बताती हूँ इसके बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें एक बॉल लेना है और उसमें 4 से 5 बॉईल किया हुआ आलू हमने लिया है। आप अपने हिसाब से आलू लें। और बॉईल किया हुआ आलू को हमने अच्छे से मैश करके ले लिया है। और अब इसमें मैं हल्दी पाउडर 1 चुटकी डालूंगी, उसके बाद से जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करूँगी। और फ्रेंड्स, उसके बाद से एक हरी मिर्च मैं बारीक कट के डालूँगी और उसके बाद से 1 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज। और उसके बाद इसमें डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला। ये सारे मसाले 8 टेबल स्पून हमने लिया है। और हरी मिर्च के बाद मैं इसमें धनिया 1 चम्मच बारीक कटा हुआ मैंने डाला है। और ये सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मिक्स हो चुका है, तो इसे साइड में रख देंगे। उसके बाद से एक कटोरी में मैं 2 से 3 चम्मच लूँगी मैदा। उसके बाद से इसमें चावल का आटा भी 2 चम्मच मैं ऐड करूँगी। और थोड़ा टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी कलर के लिए और 1 चुटकी इसमें लाल मिर्च मैं डाल दूँगी। और इसे मिक्स करेंगे। उसके बाद से इसमें पानी ऐड करके थोड़ा सा गाढ़ा इसका घोल तैयार करूँगी। ज़्यादा पतला नहीं तैयार करना है, आप देख सकते हैं इस तरीके का घोल हमें चाहिए। तो इसे भी हम साइड में रख देते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं ब्रेड के स्लाइसेस लूँगी। और ब्रेड आलू आप अपने हिसाब से, मेंबर के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ब्रेड पर मैं आलू को रखूँगी और एक चाकू की मदद से या ब्रेड नाइफ की मदद से आप इस तरीके से ब्रेड पे और सारे आलू को फैला दें इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं मैंने फैला लिया है। और इसी तरीके से हम सारे ब्रेड पे आलू को फैला लेंगे इस तरीके से। और बहुत ईजली फैल जाता है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा से हो रहा है। और इसी तरीके से आप सारे आलू पे ब्रेड पे आलू मिक्स कर लें। और जितना आपका ब्रेड है तैयार करके रख लें पहले। तो आप देख सकते हैं मैंने तैयार कर लिया है। उसके बाद से चलिए एक पैन में रख दूँगी। आप यहाँ पे पैन या एक तवा रख सकते हैं, मुझे स्लो फ्राई करना है इसलिए। आपको यदि ऑयल में फ्राई करना है तो ऑयल में भी आप कर सकते हैं। तो इसमें हमने डाल दिया है 2 चम्मच बटर। आप यहाँ पे ऑयल भी या घी भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमने मैदा और चावल के आटे का घोल बनाया है उसमें मैं इस तरीके से डिप कर दूँगी। आलू के साइड से ब्रेड को डिप करना है और इस तरीके से रख देंगे। और दूसरे ब्रेड को भी, जितना आपका ब्रेड एक बार में 2 या 3 आए उतना डिप करके और इसमें डाल रख दें। और जिस साइड हम आलू लगाए हैं उसी साइड हमें इसमें मैदे में इसको डिप करना है। और इस तरीके से 1 से 2 मिनट तक एक साइड हम फ्राई होने देंगे। उसके बाद इसे पलट लेंगे इस तरीके से और फिर इस साइड भी हम फ्राई होने देंगे। और फिर थोड़ा सा बटर डाल देंगे हम साइडों में ताकि नीचे से भी अच्छा से सिक जाए। और दोनों तरफ से बिल्कुल क्रिस्पी होने तक हमें सेकना है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इस साइड से। और फिर हमने पलट दिया है, नीचे की साइड भी हमें अच्छा से सेक लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दोनों साइड से सिक चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से सारे ब्रेड को हमें सेक लेना है। तो आप देख सकते हैं ब्रेड हमारे सिक चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ। एक सर्विंग बाउल में, एक सर्विंग प्लेट में हम ब्रेड को लेंगे और इस तरीके से बीच से कट लगाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से कट लगा रही हूँ मैं। इस तरीके से हम लगा देंगे कट। उसके बाद से इस पर हम चटनी लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस पर ले रही हूँ शेजवान चटनी और इसे इस तरीके से मैं फैला दूँगी इसके ऊपर अच्छा से। और उसके बाद से मैं लूँगी इस पर धनिया का चटनी, ग्रीन चटनी, आप कोई सा भी लें। इस तरीके से इसे भी फैला दूँगी। उसके बाद से इस पर टमाटो केचप रख दूँगी और इस तरीके से आप फैलाएं ताकि इसका भी टेस्ट अच्छा से आए। और तीनों चटनी को अच्छे से फैलाएं, ये तीखा मीठा बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद से इस पे हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे
और उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरी मिर्च फैला दूँगी। और उसके बाद से बारीक कटा हुआ हरी धनिया को मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगी। और सबसे लास्ट में मैं इस पर और नमकीन बारीक वाले सेब जो आती हैं उसे मैं फैला दूँगी। और देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है ये नाश्ता और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे सारे ब्रेड तैयार हैं और आप इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें ज़रूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंडों में भी शेयर करें। और मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।